यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि AKTU और BTUP का ऑनलाइन एग्जाम लाइव कैसे दिया जाता है। जी हाँ गाइस, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग लाइव देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा BTUP का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, एक हफ्ते के अंदर BTUP का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और AKTU के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों का एग्जाम होना बाकी है और थर्ड ईयर का एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे में सभी छात्रों के अंदर एक ही डाउट है कि सर ये बताइए BTUP का मॉक टेस्ट नहीं हुआ तो हम लोग कैसे एग्जाम देंगे। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ मैं ऑनलाइन एग्जाम एकदम लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन के बाद प्रोसीड नाउ का ऑप्शन कैसे आएगा, उसके बाद क्वेश्चन कैसे शो होगा, फ्लैग का ऑप्शन कब आएगा, वार्निंग कैसे आएगी, मतलब पूरा वीडियो आपका ऑनलाइन एग्जाम जो होता है देते हैं छात्र पूरा लाइव चलेगा। तो इससे आप लोग 5 मिनट के अंदर सारा कुछ सीख जाओगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को स्किप मत करिएगा और चीटिंग का भी पूरा मौका मिलेगा। अभी आप लोग लाइव वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हो या चाहे कोई नीट का एग्जाम, सबका सलूशन है फिलो ऐप पर। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में अपने सवालों का आंसर पा सकते हो। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर पर जाके फिलो ऐप सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पर आपको फिर मोबाइल नंबर डाल के इसको साइनअप कर लेना है। जैसे ही आप साइनअप करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, आपको अपना फ़ोटो ले लेना है जो भी क्वेश्चन हो, या उसको टाइप करके आप इंडिया के एक्सपर्ट से अपने सवालों के आंसर पा सकते हो। विद इन 60 सेकेंड में आप कनेक्ट हो जाओगे लाइव जो भी आपके एक्सपर्ट हैं इंडिया के टॉप। लिंक है, जाओ वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और जो मैंने रेफरल कोड प्रोवाइड किया उसको यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके AKTU ERP पर या ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी या यूजर आईडी और पासवर्ड आया होगा, सिंपली यहां पर उसको फिलअप कर लेना। जी हां गाइस, यहां पर लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड यहां पर आपको सिंपली फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद सिंपली यहां पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हो नए इंटरफेस पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर देखिए इसको ओके कर लेंगे, पॉपअप मांगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या देगा कि टेस्ट असाइन, मतलब आपने कोई टेस्ट दिया है, अभी एक देने वाले हैं इसलिए यहां पर एक दिखाई दे रहा है। टेस्ट टेकन, एक भी टेस्ट नहीं लिया इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। 90 मिनट का है ये दिखाई दे रहा है। यहां पर सिंपली कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए कंटिन्यू पर आप जैसे क्लिक करते हो आगे देखिए आपके सामने नया प्रोसीजर ओपन होगा, मतलब नया पेज ओपन होगा। यहां पर देखिए आपका क्या होगा, सारी चीजें चेकिंग होगी, जो कि यहां पर आपका कैमरा, माइक्रोफोन, ब्राउजर और इंटर स्पीड चेक होगी। जैसे ही सब कुछ चेक होता जाएगा, सही रहेगा, तो आपका ये ग्रीन टिक हो जाएगा और कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। देखिए कंटिन्यू का ग्रीन बटन आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आगे हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोसीड नाउ का जो बटन है यहाँ पर ग्रे कलर में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अभी आपका टाइम खत्म होगा, स्टार्ट होने वाला रहेगा, आपको पता होगा आधे घंटे पहले आपको लॉगिन करना होता है, तो आधा घंटा जैसे ही स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट वैसे यहाँ पर प्रोसीड नाउ वाला बटन ग्रीन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर टाइम चल रही है, आप लोग नोटिस कर रहे हो 13:12, अभी देखिए जैसे ही कम होता जाएगा प्रोसीड नाउ का बटन जो है ग्रीन हो जाएगा। सिंपली उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग इंस्ट्रक्शन सारा कुछ पढ़ सकते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन है। देखिए ग्रीन हो गया ये, अब यहाँ पर देखिए विद इन 1 सेकेंड यहाँ पर ग्रीन हो गया, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे प्रोसीड नाउ वाले बटन पर। अब देखिए नए इंटरफेस पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका 50 क्वेश्चन पूरा है, यहाँ पर पहला मतलब क्वेश्चन ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ। और यहाँ पर एक चीज दिखा दूँ, ऊपर देखिए ऑटो का बटन है, कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया, व्यूज इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, मतलब यहाँ पर सब कुछ आपके सामने आंसर दिया गया। यहाँ पर आप सिंपली आंसर दे सकते हो क्वेश्चन का। यहाँ पर नीचे देखोगे आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और फ्लैग का ऑप्शन आएगा। अभी सारा कुछ का मैं यूज बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला ओपन हो चुका है, तो मान लीजिए थर्ड वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा जो भी आप करेंगे। अब नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए अब अगला वाला ऑप्शन आएगा, जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो वाला आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ओपन हो चुका, आप लोग देख सकते हो आपके सामने। अब इसको क्लिक करके थर्ड वाला देंगे, यहाँ पर प्रीवियस का ऑप्शन नीचे भी दिखेगा, पीछे भी आ सकते हो आप लोग, अगर पीछे कोई क्वेश्चन फिर से चेक करना चाहते हो, बदलना चाहते हो ऑप्शन। और फ्लैग का ऑप्शन नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर फ्लैग पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो अगर यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर रेड हो जाएगा। फ्लैग का मतलब होता है अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि हाँ मुझे ये बाद में करना है, तो ये आपका रेड हो जाएगा, इसको आप लोग बाद में कर सकते हो एग्जाम देने के, मतलब एग्जाम जब लास्ट होने वाला रहेगा तब जाके दे सकते हो, नहीं तो आप इसी प्रकार से आराम से इसको अनफ्लैग बाद में कर सकते हो, ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन अपना सॉल्व करते जाइए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाइए। और यहाँ पर देखिए ऑटो नेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर इस पर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन जैसे ही एक क्लिक करोगे आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा। और ये कैलकुलेटर का ऑप्शन देखिए मैंने खोल रखा है, कैलकुलेटर आप इजिली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो जैसे BTEC के स्टूडेंट हो, और इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया गया, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो।
तो देखिए क्वेश्चन जैसे आप लोग सारा कुछ देंगे, प्रॉक्टर के चैटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हो, हाय प्रॉक्टर मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर आपका रिप्लाई भी मिल जाएगा। और इंड टेस्ट, यहाँ पर कोने में एक आपको इंड टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, एकदम कोने में देख सकते हो, तो इस पर भूल कर भी आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे ही इंड टेस्ट पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म आधे पर ही सबमिट हो जाएगा, तो इस पर तभी क्लिक करना जब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाए, जब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिया हो। तो देखिए इस प्रकार से आपको सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। और देखिए तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखिए मैंने इंड वाले बटन पर मान लीजिए क्लिक कर दिया गलती से, तो यहाँ पर ऐसा आएगा आपके सामने इन्फॉर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, एक बार पूछेगा कि आप श्योर हो, अगर श्योर हो तो बोल दो यस, यस करोगे फिर से ये देगा कि अगर आप फ्लैग वाला जो क्वेश्चन छूटा, देखिए यहाँ पर पूछेगा कि फ्लैग वाला क्वेश्चन करना चाहते हो, यस मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, तो फ्लैग वाला क्वेश्चन आप सिंपली यहाँ पर देखिए जो रेड था वो ग्रीन हो गया, मतलब फ्लैग वाला क्वेश्चन फिर कर सकते हो। अगर वो जो पूछा श्योर आप एग्जिट करना चाहते हो, श्योर कर दिए तो आपका फॉर्म एकदम सबमिट हो जाएगा, अगर कोई फ्लैग में क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर देने के बाद सारा कुछ आप सबमिट पर क्लिक करोगे, देखिए सारा कुछ सबमिट हो गया, लोडिंग ले रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। अब देखिए आई होप कि आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देख लिया होगा कैसे कैसे होता है, मैंने अपने हिसाब से कोशिश की सारा कुछ समझाने की, और चीटिंग करने की तो आप लोग समझते ही हो कैसे करना है, आप लोगों को सारा कुछ बता ही दिया है मैंने, और आप लोग भी अपने तरीके से जो भी करना होगा करिएगा, लेकिन मेरा काम था डेमो टेस्ट दिखाना। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कैसे डेमो टेस्ट देना, क्वेश्चन कैसे आता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, कैसे ब्राउजर आपका चेकिंग होगा, कैमरा चेकिंग होगा, सिंपली पूरा यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ना डरिए, एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके।